मणिपुरी बैम्बू से बना हुआ भारतीय शैली का धनुष इंडियन राउंड, हम उनको रिकर या कंपाउंड की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। इनिशियली हम इसी बो से स्टार्ट कराते हैं। अगर बच्चा यहाँ अच्छा अडॉप्टेशन हो गया, अच्छा कर रहा है, तो डेफिनेटली वो रिकर और कंपाउंड में भी अच्छा कर पाएगा। ये जो बो देख रहे हैं ये कंपाउंड बो है। इसकी एक खूबी ये है कि जब इसको आप जितना पुल करते हैं डिस्टेंस के बाद इसकी पाउंडेज, इसकी जो पावर है बहुत कम हो जाती है। इसकी जो स्पीड है जब हम इसके इससे एरो रिलीज होता है तो उसकी स्पीड 250 kmph प्लस ही रहती है, उससे नीचे नहीं आती है। ये वो रिकर्व है जो कि कंपाउंड से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर इसका साइज अलग है, इसकी कर्विंग पोजीशंस अलग हैं। बहुत वर्ल्ड फेवरेट है, ओलंपिक का पार्ट है। हर एक आर्चर जब एक ड्रीम लेकर आता है कि मुझे दीपिका कुमारी बनना है तो उसके मन में एक ही ड्रीम होता है कि उसे ये धनुष चलाना है। मेरा नाम लोकेश चंद है, मैं पिछले 15 साल से आर्चरी कोचिंग में हूँ और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैंने कुछ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी आर्चरी कराई है, न केवल भारत में अभी तो मैं बाहर जाकर भी भारत के बाहर के खिलाड़ियों को तीरंदाजी करवाई है। और आज हम बहुत सारे क्वेश्चनों के जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग आर्ची तीरंदाजी के बारे में, तो हम उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अगर हम बात करें तीरंदाजी की कि कितने प्रकार की तीरंदाजी होती है, तो भारतवर्ष में मुख्यतः 3 प्रकार की तीरंदाजी पाई जाती है, जिसको हम इंडियन राउंड, रिकर्व और कंपाउंड 3 अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। तीनों के ही अलग अलग लेवल पर कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लेकिन जब हम इंटरनेशनल लेवल्स की बात करते हैं तो सिर्फ 2 ही लेवल हमें मिलते हैं खेलने के लिए। या तो हम कंपाउंड खेल पाते हैं या फिर हम रिकर्व खेल पाते हैं। रिकर्व कंपाउंड की अपेक्षा ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ओलंपिक खेलों में रिकर्व शामिल है। कंपाउंड ओलंपिक खेलों को छोड़कर हर जगह पर शामिल है। जो विभिन्न प्रकार के जो धनुष होते हैं, चाहे वो कंपाउंड हो, रिकर्व हो या इंडियन राउंड हो, वो चाहिए। साथ ही साथ आपको तीर चाहिए और कुछ प्रोटेक्टिव आइटम्स आपको रखने पड़ेंगे, जैसे कि आर्म गार्ड, चेस्ट गार्ड, फिंगर टैब, क्यूबर। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा कि सेफ्टी मेजर्स आपको बड़े इम्पोर्टेंस तरीके से रखने पड़ेंगे। अगर आप सेफ्टी मेजर्स को नहीं रख पा रहे हैं तो सब कुछ फेल हो जाएगा, बड़े इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब हम इंडियन राउंड धनुष की बात करते हैं तो इंडियन राउंड धनुष इंडिया में लगभग सभी जगह मिल जाता है। मुख्यतः मणिपुर से बनकर आता है, वहाँ से सब जगह एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट मतलब इंडिया में ही सब जगह उसको भेजा जाता है, और जो मणिपुरी धनुष चलाते हैं वही बच्चे अधिकतर इस इंडियन राउंड की प्रतिस्पर्धा में मेडल जीत पाते हैं। जब हम मॉडर्न इक्विपमेंट्स की बात करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, तो बहुत सारी कंट्रीज में इक्विपमेंट्स बनते हैं, लेकिन मुख्यतः जो सामान है वो अमेरिका से और कोरिया से मंगाया जाता है। कंपाउंड के जो धनुष है वो अमेरिका से आते हैं, वहीं रिकर्व के धनुष अमेरिका और कोरिया दोनों ही जगह से आते हैं। बहुत लोग आते हैं और उनका एक ही सबसे मुख्य प्रमुख सवाल होता है कि तीरंदाजी किस उम्र में स्टार्ट की जाए। यूजली हम बोलते हैं सभी को कि 10+, जब बच्चा आपका 10 साल का हो जाए तो आप उसे तीरंदाजी कराइए। लेकिन कुछ बच्चों के अंदर जो जिनका फिजिकल कंडीशंस बहुत अच्छा होता है, उनको हम 8 या 9 साल के लिए भी एडवाइस कर देते हैं कि आप तीरंदाजी कर सकते हैं। आज लगभग भारत के हर राज्य में तीरंदाजी की अच्छी सुविधाएँ प्राप्त हैं, चाहे वो आप हरियाणा लें, मणिपुर लें, केरला लें, तमिलनाडु लें, तो इंडिया का कोई भी ऐसा स्टेट अछूता नहीं है जहाँ पे अच्छे तीरंदाज ना हो। इसका नतीजा आपको इंडियन टीम से मिल जाएगा। इंडियन टीम आज किसी एक स्टेट से डोमिनेट होकर नहीं आती, अपितु वो पूरे स्टेटों को मिलाकर बनती है। अगर आप प्रोफेशनल्स आर्चरी की शुरुआत करना चाहते हैं तो मेरी एडवाइज़ रहेगी कि आप अपने आसपास के क्षेत्र में जाकर किसी आर्चरी एकेडमी को तलाशें, और अगर वहाँ पे आर्चरी एकेडमी आपको मिलती है जहाँ पे NIS क्वालिफाइड कोचेज हैं या सीनियर कोचेज हैं जिनके पास बहुत अच्छा अनुभव है तीरंदाजी का, चाहे वो कंपाउंड का हो या रिकर्व का हो, या वहाँ कुछ ऐसे अच्छे प्लेयर प्रैक्टिस करते हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीते हों, तो ऐसी एकेडमी को आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ दिनों के बाद अपनी प्रतिभा को निखार पाएंगे और आगे चल के नेशनल स्तर पर खेल पाएंगे। जैसे ही आप नेशनल स्तर पर खेलेंगे तो भारतीय तीरंदाजी संघ के कैंपों में आपका सिलेक्शन हो सकता है, जिसके माध्यम से आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जा सकते हैं। अगर कोई 10 साल का बच्चा है तो उसे शुरुआत में हम कहते हैं कि आप 2 से 3 घंटे पर डे प्रैक्टिस करें, हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस करें। लेकिन अगर हम प्रोफेशनल आर्चर की बात करें, अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम कमाना है तो 6 से 8 घंटे कम से कम प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
तीरंदाजी अपने आप में एक संपूर्ण खेल है। कुछ लोगों को लगता है कि इसके साथ में हम बहुत सारे कुछ क्या खेल खेल सकते हैं। मेरा तो सुझाव यही रहता है कि अगर आप एक खेल को लें, उसी में अपने आप को निखारें और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को साथ में रखें तो सबसे बेहतर होगा। आज के समय में भारतीय तीरंदाजों ने विश्व परचम पर अपना झंडा बहुत ऊँचा लहराया है। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर हमारे भारतीय तीरंदाजों ने मेडल ना जीते हों। दुनिया के हर कोने में जाके मेडल जीत रहे हैं, लेकिन जब हम प्रमुखता से बात करते हैं कि भाई पूरी दुनिया में सबसे बड़े बड़े तीरंदाज कहाँ से आते हैं, तो न केवल उसमें हमारे देश का नाम होता है, साथ ही साथ कुछ ऐसे देश जैसे अमेरिका, कोरिया, फ्रांस, इंग्लैंड इत्यादि खिलाड़ियों के नाम भी प्रमुखता से लिए जाते हैं। अगर आप पहले दिन तीरंदाजी में आए हैं तो आपको सबसे पहले कोच आपका टेस्ट लेगा। टेस्ट में आपका आई डोमिनेट चेक किया जाएगा, आपका बॉडी पोस्चर चेक किया जाएगा, क्योंकि बॉडी पोस्चर और आई डोमिनेशन, अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो आपको लेफ्ट हैंड के बो के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, अगर आप राइट हैंडेड हैं तो आपको राइट हैंड के बो के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। तो ये सारे के सारे टेस्ट पहले ही दिन ले लिए जाते हैं और ये सबसे पहला स्टेप होता है जब भी आप तीरंदाजी में आते हैं। बहुत बड़ा सवाल आता है कि रिकर्व बेहतर है या कंपाउंड बेहतर है। मेरे हिसाब से दोनों ही बेहतर हैं। आपका जहाँ मन लगे वहाँ शूट कीजिए, अपने शूट को एंजॉय कीजिए। अगर आप रिकर्व में जाते हैं तो आपके पास ओलंपिक तक का सफ़र है, लेकिन अगर आप रिकर्व में नहीं जाते हैं, आप कंपाउंड को चॉइस करते हैं, तो आप ओलंपिक को छोड़ के बाकी सब जगह जा सकते हैं। जहाँ तक नौकरियों की बात है, जहाँ तक सरकारी सुविधाओं की बात है, तो वो दोनों ही प्रकार की विधाओं में भारत सरकार द्वारा समान दी जाती है। शुरुआती दौर में झारखंड ने तीरंदाजी में अपने आप का अपना वर्चस्व बनाया। पिछले कुछ वर्षों से हम देखें कि नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, वहाँ से आए खिलाड़ी बहुत धमाल मचा रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 सालों से ट्रेंड एक चेंज हुआ है। उस ट्रेंड में अब देखा जाने लगा है कि न केवल उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, न केवल नॉर्थ ईस्ट झारखंड, अपितु इंडिया के हर राज्य से अच्छे अच्छे तीरंदाज निकल के बाहर आ रहे हैं। और पिछली जो एशियन गेम्स की टीम गई थी उसमें भारत के चारों कोनों का प्रतिनिधित्व था, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, झारखंड, आसाम। तो सिर्फ ये कह देना कि किसी एक राज्य का अभी आधिपत्य है तो बेमानी होगा। हाँ, लेकिन ज़रूर कुछ एकेडमियों ने अपना वर्चस्व बनाया है, जहाँ जिसमें झारखंड में एक टाटा आर्चरी एकेडमी है, तो दिल्ली में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेंटर है, वहीं आर्मी का अपना अलग सेंटर है जो कि पुणे बेस है। तो ये 3-4 सेंटर ऐसे हैं। मैं इसमें एक और जिक्र करना चाहूँगा, वोल्गा आर्चरी सेंटर जो कि विजयवाड़ा में है। तो इन सब लोगों ने मिलकर एक अपना अलग वर्चस्व जरूर बनाया है, लेकिन इनके यहाँ भी जो खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो किसी एक राज्य के न होकर बल्कि अब अलग अलग राज्यों से आते हैं। तीरंदाजी दुनिया का सबसे ज़्यादा डेवलपिंग गेम है। ओलंपिक तक का सफ़र आपके पास है, न केवल ओलंपिक तक का सफ़र है बल्कि उसके आगे भी अपार संभावना है। सबसे बड़ा तो खेलों का महाकुंभ ओलंपिक ही होता है, तो अगर कोई भी खेल अगर ओलंपिक में शामिल है तो अपने आप में बड़ी अहमियत रखता है। उसका फ़ायदा सभी तीरंदाजों को भी मिलता है। सभी जगह सभी प्रकार की सरकारी सुविधाएं जो भारत सरकार ओलंपिक खिलाड़ियों को प्रोवाइड कराती हैं, वो सभी आर्चरी वालों को तुरंत मिल जाती हैं। न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपितु भारत में भी खेलों का स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन है। अगर हम बात करें तो स्कूली लेवल के लिए तीरंदाजी में अलग कंपटीशन है, जिसे हम SGFI या स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। उसके अलावा CBSE अपने स्कूलों में अलग इवेंट ऑर्गेनाइज करती है। नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, ऑल इंडिया पुलिस, ऑल इंडिया रेलवे, इंटर बटालियन आर्मी, और इन सब के बाद में अलग अलग लेवल्स पर इंडियन आर्चरी एसोसिएशन भी अपनी इवेंट ऑर्गेनाइज करती है टाइम टू टाइम। हर बच्चे के मन में सवाल आता है कि क्या मैं तीरंदाज बन सकता हूँ, क्या मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा सकता हूँ, क्या मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो देश के अन्य खिलाड़ी कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हर बच्चा एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, बशर्ते वो कुछ नियमों का पालन करे। जैसे कि उसको अपने आप में पेशेंस रखना पड़ेगा। तीरंदाजी सीखना एक विद्या को प्राप्त करने के बराबर है, इसमें उसे बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा
और उसे जल्दबाजी नहीं दिखानी पड़ेगी। अगर कोई भी तीरंदाज आता है और कहता है कि मेरे को बहुत जल्दी तीरंदाजी सीख के कुछ ही दिनों में इंटरेंस लेवल पर जाना है, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। आपको धीमे धीमे सीखिए, लेकिन आप लगातार ऊपर की तरफ जाइए। आने वाले कुछ सालों में ज़रूर आपका नाम बहुत ऊँचा होगा। कुछ खिलाड़ी ऐसे भी आते हैं जो आते हैं और उनके मन में जो भाव होते हैं कि हम आज अपना धनुष उठाएंगे, हम कल नेशनल खेल लेंगे, मेडल जीत जाएंगे, तो आर्चरी में ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा खेल है जो मेजरेबल खेल है। यहाँ पर जो आप मार रहे हैं वो सबको दिख रहा है, तो किसी भी प्रकार की पार्शुअलिटी होने की संभावना तीरंदाज के साथ नहीं रहती है। किसी भी प्रकार की जजमेंट में, किसी भी प्रकार की बेईमानी या इस तरह की जो बाकी खेलों में हमें अक्सर सुनने को या देखने को मिलता है कि कोच के साथ ऐसा हुआ, एम्पायर के साथ ऐसा हुआ, इसलिए हम बाहर हो गए, तो तीरंदाजी में सब नहीं होता है। लेकिन आपको अपना मेहनत और अपनी प्रतिभा के बल पर आगे जाना होगा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, तभी आप इस खेल में आगे जा सकते हैं। तीरंदाजी अपार संभावनाओं का खेल है। नौकरियों की कोई कमी नहीं है। अगर आप नेशनल मेडलिस्ट हैं, अगर आप नेशनल मेडलिस्ट हैं तो आपको नौकरी मिल ही जाएगी। लेकिन अगर आपको अपनी पसंद की नौकरी चाहिए तो आपको तीरंदाजी में एक बहुत बड़े कारनामे करने पड़ेंगे, तो आपको अपनी मनपसंद की जॉब भी मिलेगी। भारत सरकार ने जैसा कि अभी निर्धारित किया है, नई खेल पॉलिसी आने वाली है कि बी ग्रेड तक के ऑफिसर्स भी स्पोर्ट्स कोटे से लिए जाएंगे और उनकी प्रमोशंस होंगी, तो तीरंदाजी उनमें एक अहम खेल रहने वाला है। अगर आपके पास मेडल हैं, आपके पास नाम है, भारत सरकार आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। न केवल भारत सरकार बल्कि जो विभिन्न राज्य की सरकारें हैं वो भी आपका पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अगर आप देखिए, जब हम बात करें तो भाई आप अच्छे तीरंदाज बने तो आपको नौकरियां हैं, लेकिन अगर आप अच्छे तीरंदाज नहीं बन पाए तो आपका शरीर तो बन ही रहा है। तीरंदाजी के द्वारा आदमी का मानसिक विकास भी होता है। मेरे पास ऐसे न जाने कितने सारे एग्जाम्पल हैं जब पेरेंट्स ने मेरे को आकर कहा कि मेरा बच्चा तीरंदाजी करता है इसलिए मेरे बच्चे के मार्क्स बढ़ गए, क्योंकि ये एक ऐसा गेम है जहाँ पे बच्चे का फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो इन सब चीज़ों से आप एकेडमिकली अपने आप को बहुत साउंड कर पाते हैं और इसका इफ़ेक्ट आपके भविष्य में आने वाली आपकी जॉब में भी मिलेगा। और अगर आप किसी भी तरह से अगर एज ए तीरंदाज कहीं सक्सेस नहीं भी हो पा रहे हैं तो आपके पास एक दूसरा क्षेत्र भी रहता है। कोचों की बहुत भारी डिमांड है, पूरे इंडिया में बहुत भारी डिमांड है, तो आप कोच की तरह भी इस खेल में रह सकते हैं। आज की डेट में जो व्यक्ति तीरंदाजी स्टार्ट करना चाहता है, मेरे को उसकी सलाह रहेगी कि आपके लिए सबसे अच्छी एज है कि आप 10 साल की एज में स्टार्ट करें। लेट होने से भी इस खेल पे आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, आप जल्दी से कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 10 साल की एज में स्टार्ट कर रहे हैं तो 4 से 5 साल की ट्रेनिंग के बाद आप इंडिया की जूनियर और सब जूनियर टीम्स में एंटर कर सकते हैं, बशर्ते आपको सही गाइडेंस मिली हो, सही जगह आप कोचिंग ले रहे हो। रही बात नौकरियों की, तो नौकरियों का अपार संभावना है इस खेल के अंदर है। भारत सरकार ने कुछ खेलों को कैटेगराइज किया है और तीरंदाजी उसके प्राइमरी गेम्स में है। सबसे ऊपर तीरंदाजी का नाम आता है, इसलिए जब भी फैसिलिटीज देने की बात आती है, जब भी नौकरी की बात आती है, तो तीरंदाजी अपने आप में एक अहम खेल बन जाता है। अगर आप 10 साल की एज में स्टार्ट करते हैं तो मान के चलिए कि आपको 5 से 6 साल लग सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने के लिए। हाँ, अपवाद ज़रूर होते हैं। कुछ लोग जैसे दीपिका कुमारी अपवाद रही कि वो 3 साल में एकदम से निकल के आई, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। लगनशील रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। कोई भी बच्चा जब 10 साल की एज में स्टार्ट करता है तो हम कोचेस का जो मेन टारगेट रहता है कि उसको किस तरह से उसकी स्किल्स अडॉप्ट कराई जाए। एक बार जब आप स्किल्स अडॉप्ट कर जाते हैं तो उसके बाद आपकी ट्रेनिंग कितनी है, आप कितना अपने आप को डेडिकेट कर रहे हैं, आप इन सब चीज़ों के ऊपर सारा का सारा रिजल्ट डिपेंड करता है। और सबसे अहम जो रहता है वो तीरंदाजी में रहता है कि कोऑर्डिनेशन, आपका जो सामंजस्य है, आपका दिमाग, आपका शरीर और आपके सामान के साथ जितना बेहतर होगा, आपके पास रिजल्ट उतने ही बेहतर होंगे।